सपा और बसपा को लेकर बोले शिवपाल सिंह। पार्टी में वापसी पर दी शिवपाल ने अपनी राय। तमाम कयासों और दावों के बीच तोड़ी चुप्पी। सपा में वापसी और गठबंधन दोनों पर दी राय। भविष्य जो कहेगा वैसा करने को तैयार, शिवपाल सिंह ने कहा। एक तरफ नेताजी मुलायम सिंह यादव की तबीयत नासाज है तो दूसरी तरफ सपा की ओर से लगातार हार से पार्टी के नेता परेशान हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूती देने और फिर से 2022 में सत्ता में वापस लाने के लिए शिवपाल सिंह यादव बस एक विकल्प नजर आ रहे हैं, जिसको पार्टी में लाने के लिए और उनके पार्टी में वापस आने के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह की पार्टी में जल्द वापसी हो सकती है, लेकिन ठीक इसके उलट शिवपाल सिंह यादव पार्टी में वापसी और भविष्य को लेकर तमाम अटकलों को खारिज करते रहे हैं। कयासों के बीच शिवपाल सिंह का एक बेहद चौंकाने वाला और अहम बयान सामने आया है, जिसमें उनसे सपा में वापसी और बसपा के भविष्य को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सपा में तो वापसी नहीं कर सकते, लेकिन गठबंधन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझकर मैंने पार्टी का गठन किया है, ऐसे में अपनी पार्टी को खत्म करना मैं उचित नहीं समझता और पार्टी को खत्म करना समझदारी भी नहीं है। इसीलिए अगर सपा से बात बनी तो सपा के साथ मैं भविष्य के चुनावों को लेकर गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सपा में वापसी के लिए तैयार नहीं हूँ। शिवपाल सिंह यादव का ये बयान बताता है कि सपा में वो फिलहाल वापसी के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है और भविष्य के भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं, जो उन कयासों को खारिज कर रहा है जिनमें सपा में शिवपाल सिंह की वापसी के दावे किए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।